हेलो गाइस, वेलकम टू ऐसे ट्यूटोरियल। आज का ये वीडियो क्लास 10 के लिए है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिसिप्लिन के ऊपर में ऐसे कैसे लिखते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम में ये 150 टू 200 वर्ड का आपका ए ऐसे पूछा जाता है और ये 10 मार्क्स का ऐसे आपको हर साल या तो डिसिप्लिन के ऊपर पूछे, या तो आपका फ्लड इन आसाम के ऊपर में पूछे, या आपका स्टूडेंट लाइफ के ऊपर में पूछे, या एम इन लाइफ के ऊपर में पूछे, या आपका फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर में पूछे। ये 6-7 ऐसे आपको याद करके रखना है। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्या कराया है, फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर में ऐसे कराया है और आज हम लोग डिसिप्लिन के ऊपर में ऐसे करेंगे। ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे साथ में आप इसको समझ सकते हैं और ये याद करने कोई दरकार नहीं है, आप एक बार देख लेंगे तो ये आपको याद हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को कि डिसिप्लिन आखिर होता क्या है। तो डिसिप्लिन से हम लोग को समझ में आता है कि कोई भी चीज़ रूल और रेगुलेशन में करना और आपका पंक्चुअल होना, टाइम का पंक्चुअल। पंक्चुअल मतलब होता है आपका क्या करना, एकदम टाइम पे पाबंदी। इस टाइम पे आपको कोई काम दिया जा रहा है तो इस टाइम पे फिनिश करना, इसको कहा जाता है पंक्चुअल। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। डिसिप्लिन इज वन ऑफ द पावरफुल वर्ड्स इन आवर लाइफ। डिसिप्लिन हम लोग का जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, बहुत पावरफुल वर्ड है। ठीक है, डिसिप्लिन मीन्स डूइंग वर्क ऑर्डरली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, बींग पंक्चुअल एंड रेगुलर। डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि आप कोई काम और रेगुलेशन को फॉलो कर करना पड़ता है आपको, और जो कि आपका पंक्चुअल होगा, टाइम का पाबंदी होगा, उसी टाइम में आपको वो काम करके देना है। डिसिप्लिन इम्पोर्टेंस कैन बी सीन एनी वेयर एंड एवरीवेयर। अब हम लोग कह सकते हैं कि डिसिप्लिन जो हो गया आपको कहीं भी और कभी भी दिख सकता है। क्यों? क्योंकि कोई एक बींग ह्यूमन आदमी हो या जेंटलमैन हो, उसके अंदर में हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। इट इज लर्न फ्रॉम फैमिली एट होम एज वेल एज एट स्कूल। और ये जो डिसिप्लिन है ये हम लोग कहाँ से सीखेंगे? डिसिप्लिन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, डिसिप्लिन हम लोग जब छोटा रहते हैं तभी हम लोग का फैमिली का जो मेंबर होता है, उन फैमिली का मेंबर को देखकर हम लोग सीखते हैं कि हम लोग को किस तरीका से रहना है और अपना जीवन को किस तरह यापन करना है। और ये हम लोग फैमिली का मेंबर के साथ साथ स्कूल में भी सीखते हैं कि डिसिप्लिन में कैसे रहना है। डिसिप्लिन दैट इट इज लर्न्ड एट अर्ली एज ऑफ चाइल्ड इज लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिशियल। अगर कोई आदमी को शिक्षा मिल जाए, मतलब क्या, डिसिप्लिन मिल जाए छोटा उम्र में ही, अगर आपको डिसिप्लिन का बारे में पढ़ाया जाए तो वो डिसिप्लिन अगर आप सीख जाते हैं कि डिसिप्लिन में कैसे रहना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, ये चीज़ को अपना टाइम पर करना है, तो आपके लिए ये जो होगा लॉन्ग लास्टिंग, जीवन के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एकदम लंबा समय तक। फिर बोला, ए स्टूडेंट विद डिसिप्लिन इज ऑलवेज पंक्चुअल एंड ही फिनिशेस हिज होमवर्क ऑन टाइम। अगर कोई स्टूडेंट आपका डिसिप्लिन में रहता है तो वो क्या करेगा, वो ऑलवेज पंक्चुअल होगा, मतलब हमेशा वो टाइम के साथ में चलेगा, टाइम का वेस्ट कहीं भी नहीं करेगा। ही फिनिशेस हिज होमवर्क ऑन टाइम, और वो अपना होमवर्क हमेशा टाइम पर ख़त्म करेगा, ये कहा गया। उसके बाद में डिसिप्लिन हेल्प्स स्टूडेंट टू गेट सक्सेस इन लाइफ। भैया, डिसिप्लिन में अगर नहीं रहे तो आपका क्या होगा कि आप सक्सेस नहीं हो पाओगे कभी भी, क्योंकि कोई भी चीज़ को करने के लिए एक मैनर होना पड़ता है कि किस तरीका से स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा। तो डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन से रहते हैं आप तो वो सक्सेस आपको दिलाएगा लाइफ में। ठीक है, इट हेल्प्स अ मैन टू बी ऑनेस्ट सेल्फ सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल इन करियर लाइफ। तो ये क्या करता है डिसिप्लिन हम लोग को, आपका एक मैन को, इट हेल्प्स अ मैन टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनाता है एक आदमी को, ईमानदार बनाता है ये डिसिप्लिन हम लोग को ये सिखाता है। सेल्फ सेटिस्फाइड, अपने आप में सेटिस्फाइड होना पड़ता है, एंड सक्सेसफुल इन करियर, और करियर में इसी वजह से आप क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, आपका लाइफ बहुत ही एकदम चंगा हो जाएगा। ये हो गया, लैक ऑफ डिसिप्लिन क्रिएट्स फेलियर। क्या कहा गया, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, लैक मतलब कमी, डिसिप्लिन का कमी है, तो आप अपने लाइफ में फेल हो जाएंगे, फेलियर हो जाएंगे, क्रिएट्स फेलियर। डिसरिस्पेक्ट एंड कन्फ्यूजन इन ऑन्स लाइफ, अपने लाइफ में आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे कि हमको कन्फ्यूज कि ये करे या ये करे, या इधर जाए या उधर जाए, इस तरीका से रहेंगे हम लोग अगर आप डिसिप्लिन का आपके अंदर में कमी है तब। ये हो गया, ए स्टूडेंट शुड लर्न डिसिप्लिन।
जब एक स्टूडेंट डिसिप्लिन सीखता है एट अर्ली टू बी बेटर फॉर हिज फ्यूचर। क्या बोला गया है, अगर कोई स्टूडेंट एकदम आपका कच्चा उम्र में, कच्चा उम्र मतलब क्या हो गया, एकदम जल्दी छोटा बच्चा में ही वो अगर डिसिप्लिन सीखता है तो वो उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देर आर मैनी फिजिकल एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डिसिप्लिन। और यहाँ पे बोला गया कि आपका डिसिप्लिन का बहुत ही आपका फिजिकल एंड हेल्थ बेनिफिट्स भी है। उसके बाद बोला द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इज सीन अमंग सोल्जर। और हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग का जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स अपने कमांडर का बात बहुत ही अच्छी तरीका से मानते हैं, तो असली मायने में डिसिप्लिन वो सोल्जर्स ही, हम लोग का जो जवान होते हैं वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इज सीन अमंग सोल्जर। जो डिसिप्लिन हो गया वो सोल्जर के अंदर ही दिखाई देता है हम लोग का। क्यों दिखाई देता है, एवरी सोल्जर हैज टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ हिज कमांडर विदाउट एनी आर्गूमेंट। जो भी सोल्जर्स होता है वो अपने कमांडर का बात मानता है बिना कोई का हिचक करे। मतलब क्या हो गया, उसको कोई भी बात उल्टा जवाब नहीं देता है, बोलता है ये करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। वो हो गया आपका मेन डिसिप्लिन कि टाइम के अंदर में ये खत्म करना है तो करना पड़ेगा। ये हो गया हम लोग का कमांडर का बात, ठीक है। Thus it is clear that discipline is urgently needed। और यह पूरा क्लियर हो गया कि डिसिप्लिन आपको जरूरी है इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कोई भी आपका क्षेत्र में, लाइफ का कोई भी क्षेत्र में आपको क्या है, डिसिप्लिन एकदम अर्जेंटली है। इसके बाद बोला इनडिसिप्लिन लीड्स टू फेलियर वाइल डिसिप्लिन प्रूव्स द रीड ऑफ सक्सेस। इनडिसिप्लिन हम लोग जैसा जानते हैं कि आप अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे अपने जीवन में। वही यहाँ पे बताया है इनडिसिप्लिन लीड्स टू फेलियर वाइल डिसिप्लिन प्रूव्स द रोड ऑफ सक्सेस। और जो डिसिप्लिन हो गया वो हम लोग को सक्सेस का तरफ लेकर जाता है। तो गाइज ये था आपका डिसिप्लिन। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही ये जल्दी समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है और यहाँ पे जो बोला गया है ये आपका सारा ही इम्पोर्टेंट है। एक भी वर्ड आप इसमें स्किप नहीं कर सकते हैं और अराउंड ये 200 वर्ड्स के आसपास हो चुका है। इसलिए आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप मेरे साथ इसको पढ़ते पढ़ते समझ कर कर लिए वो बहुत ही अच्छा होगा आपका, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।